हेलो फ्रेंड्स, सभी भाइयों को मैं नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, और हमारे भाई लोग सभी कैसे हैं। तो भाई, आप सबके लिए आज हम फिर शौक कराने आए मद्रासी कबूतरों का, जिसमें आपको भाई सेल में भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो इसलिए आप निराश ना होइएगा। कबूतरों का शौक भी कराएंगे और जो भाई लेना चाहेगा उसके लिए इच्छुक होगा उसके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यूनिस भाई से मिला देता हूँ, ये हमारे यूनिस भाई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर, आप कुछ अपने बारे में बताइए पहले, आप कब से कबूतरबाजी कर रहे हैं? मैं पहले सभी छोटे बड़े भाइयों को नमस्कार सलाम जी बोलना चाहता हूँ, उस्ताद खलीफाओं को जी। मैं सन 1992 से कबूतरबाजी कर रहा हूँ। और तो तब से ही मद्रासी का ही शुरू से पाला है, इससे पहले कोई और भी नहीं? इससे पहले देसी कबूतर पाल रखे थे हमने। अच्छा अच्छा। काफ़ी लॉन्ग टाइम से देसी पाले, फिर बाद में सन 2000 में हमने ये मद्रासी कबूतर पाले। 2000 में लाए। बाद आपने जो ये फिर कबूतर तैयार करे, तो ये बाजी फर्स्ट बाजी आपने कब उड़ाई थी? फर्स्ट बाजी हमने सन 2007 में उड़ाई थी, दिल्ली कप उड़ाई थे, फिर 2008 में ऑल इंडिया उड़ाई थी, फिर उसके बाद कंटिन्यू 2007 से उड़ाने पे ही हैं हम कबूतर। अब 2016 में हमने लास्ट टाइम कबूतर उड़ाने बंद करे हैं। तो जो पहला कप आपने जीता था, कौन से कप में जीता था? पहला कप हमने दिल्ली कप 2014 में जीता था, 2014 में जीता था। और उस्ताद रिजवान पार्टी से हैं हम। अच्छा अच्छा। और जो हमारे दयाल भाई हमारे बीच में नहीं है, वो छोटे खलीफा हैं, वो आज किसी कारणवश गए हुए हैं, आए नहीं यहाँ पे, वो पार्टी छोटे खलीफा हैं। और हमारे दादा उस्ताद वहीदा जी हैं, जो इनका इंतकाल हो गया है, उस्ताद रिजवान पार्टी से हम ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी 2014, 2015, 2016 तीनों सालों में काफ़ी तीनों साल लगातार बाजी। नाम सेकंड ईयर में हमारा था, उसमें क्या आया था पोजीशन आपका? फर्स्ट नाम जो हमारा लगा था उसमें सेकंड पोजीशन आई थी हमारी। अच्छा, अच्छा। दिल्ली कप में उसमें 168 घंटे 168 घंटे 32 मिनट बने थे हमारे। अच्छा, जो सत्रह कबूतर उड़े थे। 17 कबूतरों के 17 कबूतरों में जो हमारा सेकंड इनाम लगा था 2014 में। 2014 में। अच्छा अच्छा। 168 घंटे 37 मिनट बने थे हमारे। जो भी ग्रेट तो याद नहीं रहता। उसके नेक्स्ट ईयर फिर जो उड़ाए थे उसमें भी आपने शायद इनाम मारा था? हाँ, उसमें हमारा फर्स्ट नाम लगा था। अच्छा। उसमें हमारे 178 घंटे कुछ मिनट बने थे जिनमें हमारा फर्स्ट नाम लगा था, क्योंकि काफ़ी जनों के ओवर हो गए थे कबूतर। कौन सा कप हुआ था वो? दिल्ली कप था। दिल्ली कप वो भी था। दिल्ली कप वो भी था। और इसमें हमारे दो कप उड़ रहे थे, एक पार्टी की शर्त खुली हुई थी हमारी। अच्छा अच्छा। और एक हमारी दिल्ली कप था। अच्छा। तो उसमें दोनों फर्स्ट लगा था हमारा। ठीक ठीक ठीक। तो जो उस्ताद जी की छत पे आप कितने साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं? मैं इसके साथ बचपन से ही हूँ। बचपन से हुए। इसके अलावा भी आपको कोई शौक है? कबूतरबाजी का शौक हमें 12 साल कंटिन्यूज हो गया हमें इस छत पे। मेरे को इस छत पे। ठीक ठीक। कंटिन्यूज हम सुबह शाम हम एक साथ रहते हैं, और शाम के टाइम मैं ही रहता हूँ ज़्यादातर, और कोई नहीं रहता। अच्छा, क्योंकि अच्छा। इस पर टाइम नहीं है। तो मतलब सारा देखभाल जो कबूतरों का होता है यही करते हैं। आपका नाम सर? सोनू। सोनू, तो सोनू आप मतलब केयर टेकर हो गए एक प्रकार कबूतरों के। ठीक ठीक। और आप भाई? मैं भाई उस्ताद जी को नमस्कार। मैं अपने उस्ताद से 2014 में मिला था। अच्छा अच्छा। और मैंने 2017 में और 18 में कबूतर उड़ाए थे। अच्छा, तो इससे मैं आप कौन से कबूतर का शौक करें? मैं मद्रासी पालता हूं। मद्रासी पालते हैं जी, यही ब्लड लाइन है मेरे पास। तो आपके पास जो इनकी ब्लड लाइन सबसे बड़ी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि मेरे पास कौन सी अच्छी है आपके? इनकी ब्लड लाइन है उल्लू है एक हमारे पास कबूतर, उसकी ब्लड लाइन सारी मेरे पास है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका क्या रिजल्ट रहा है? वो सेम ही रिजल्ट है जो यहाँ। हाँ जी। मतलब कितने घंटे उड़ान है? कबूतर ओवर हो जाते हैं ज़्यादातर। कितनी उड़ान है? ठीक ठीक। सब हमारे उस्ताद की देनी है। जरूर शौक कराऊंगा आपको इनके कबूतर का, आप देखना। वैसे है इन्हीं के ब्लड लाइन से हैं, लेकिन जरूर शौक कराऊंगा। और सर आप कहाँ से? मैं भी इनका जी चिल्ला हूँ। हाँ जी, सागर दूँ। आप कौन से कबूतर का शौक? मैं भी भीम भाई के साथ जुड़ा हूँ। अच्छा, भीम भाई छत पे शौक करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आप भाई? भाई मैं भी इन्हीं के साथ जुड़ा हूँ, यही शौक करते हैं। केयर टेकर एक प्रकार से भाई आप कबूतरों का, इनके सोनू भाई के साथ आप देख रेख करते हैं। ठीक ठीक। तो भाइयों, अभी जो आपको कबूतरों का शौक कराएंगे, ये हमारे यूनुस भाई हैं। यूनुस भाई हैं। और आपके भाई का भी नाम है कुछ ऐसा? भाई का नाम यूसुफ है। यूसुफ। हाँ, लेकिन वो कबूतरों का शौक नहीं करते। मैं थोड़ा सॉरी फ्रेंड्स, कंफ्यूज हो जाता हूँ। यूनुस और यूसुफ दो भाई हैं, लेकिन यूनुस भाई जो हैं वो कबूतरों का शौक करते हैं, यूसुफ भाई नहीं करते हैं। एक भाई और छोटा चांद, वो भी नहीं करता। वो भी नहीं करता, तो अच्छी बात है। तो उस बार में आप सर बताना चाहेंगे कि जो आने वाली जनरेशन है उनको कबूतरबाजी का शौक करें। देखो, शौक तो हम चाहते हैं कि बढ़े, लेकिन क्या चीज़ें उनमें ध्यान रखनी चाहिए पढ़ाई लिखाई में, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, शौक तो ये बहुत अच्छा है,
अगर आदमी से तरीके से करे तो सबसे पहले पढ़ाई जरूरी है और बिजनेस अपना काम वाम सब जरूरी है। हाँ, जब सब कुछ पहले घर से सेट है उसके बाद आप करने में ठीक रहता है, अदरवाइज काम नहीं करोगे तो फिर परेशानी रहेगी, परेशानी रहेगी। पहले सबसे पहले मैं ये कहूँगा आने वाले जनरेशन के लिए कि पहले सबसे पहले पढ़ाई करें, कबूतरबाजी शौक रखें, लेकिन पढ़ाई को ज्यादा अहमियत दें। एक घंटे दो घंटे करें, अपना शौक करें, शौक बहुत अच्छा है, ये प्यार से शौक है, प्यार से करें और पढ़ाई और अपना काम पहले, उसके बाद ही शौक को करें। बिल्कुल, ये चीज़ मैं हमेशा इसलिए जोड़ देता हूँ कि ये मेरे साथ भी हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि दूसरों के साथ हो। और शौक को बढ़ावा दें लेकिन काम धंधा और पढ़ाई वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी। तो जो कबूतर को आप शौक कराएंगे मैं बता दूँ, अभी हमें शकुरपुर में यूसुफ भाई का बहुत अच्छा नाम है और सारे दिल्ली के ज़्यादातर उस्ताद सब जानते हैं, सब लोग उस्ताद हमें जानते हैं कि इनके कैसे कबूतर उड़ते हैं। ठीक है भाइयों, तो जी बताइए, कुछ और बताइए जो नए हमारे कबूतरबाजों के लिए और क्या कहना चाहेंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, इस शौक को प्यार से तरीके से समझदारी से करें, कोई बेईमानी लड़ाई झगड़ा या छल कपट से ना करें इस शौक को। देखो हार जीत तो लगी रहती है, हार जीत तो एक देखो जब मैदान में जब सब खिलाड़ी होंगे तो हार जीत तो रहेगी, कुछ और होता है। लेकिन ये है कि प्यार मोहब्बत से हो जाए, किसी तरह टेंशनबाजी ना हो, तो उससे शौक ही अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। अच्छा शौक है, अच्छी तरीके से चलाओ इस शौक को। हार जीत तो मैं सब उस्तादों से यही गुजारिश करूँगा कि इस शौक को थोड़ा सा अच्छी तरीके से और अपने सबको हैंडल करके बढ़ाएँ और बढ़ा रहे हैं और सब उस्ताद सहयोग कर रहे हैं इस मामले में, बहुत अच्छे हैं जो पार्टी में दिल्ली में वो सभी इस चीज़ को शौक को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत अच्छे उस्ताद हैं दिल्ली में, जो हैं दिल्ली में उस्ताद जो हैं बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद हैं, खासतौर से काम कर रहे हैं, खासतौर से हमारे रिजवान उस्ताद बहुत अच्छे उस्ताद हैं, जिनके लिए हम कहेंगे उनको रिजवान उस्ताद जी हो गए, बहुत बढ़िया उस्ताद हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, और मम्मो उस्ताद हैं, नीटे उस्ताद हैं, सब बहुत बढ़िया हैं, अजय भाई हैं, वो नीटा भाई हैं, बहुत बढ़िया उड़ाने वाले कबूतरबाज हैं, बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। बस यही कहना चाहेंगे हम, शौक को प्यार से चलाएं। जी जी जी। और उस्ताद जी, मैं कुछ कबूतरों की पहचान भी आपसे चाहूँगा कि आप हमारे जो नए दर्शक हैं, जो कबूतर में क्या देखना चाहिए मदरासियों में, वो आप बताना चाहेंगे। देखो हमारे पास तो जो भी कबूतर हैं सब उड़ने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, तो लेकिन आप कोई, हम चाहता लेकिन हूं, हम बताएं कि कबूतर जब कोई हम लेते हैं तो उसमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। ये तो देखो हर आदमी अपनी समझ से देखता है कबूतर को, जैसे हम देखते हैं, जैसे कि नीले पंजे का कबूतर बहुत मजबूत होता है, लंबे नाखूनों का कबूतर बहुत मजबूत होता है, हाइट में छोटा कबूतर हो, और ये लाल पलकों के कबूतर भी काफ़ी मजबूत कबूतर अच्छा, हैं ये अच्छा, लाल पलकों के। हाँ, बाकी अपने समझ की बात है, बहुत से को कुछ समझ है, बहुत से कुछ समझ है भाई, कबूतर सारे अच्छे हैं, बस कबूतर बाकी अपने साथ हैंडल करना चाहिए, मद्रासी को उड़ाने वाला चाहिए, उड़ाने वाला चाहिए इसको। कबूतर जो होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत मांगते, बहुत मेहनत मांगता है, बहुत अच्छा कबूतर है ये, उड़ान का बहुत कबूतर है, और कबूतरों में बहुत उड़ान है, बस डिपेंड करता है कि उड़ाने वाला उसको कितनी प्रैक्टिस करा रहा है, जितना आप उसको प्रैक्टिस कराओगे और उड़ाने वाला है। एक मैं चीज़ और कहना चाहूँगा कि मदरासियों में ये देखा गया है कि अगर छोटे से ही जितना जीरो कली से बच्चा उड़ाओगे वही सक्सेस होता है, सक्सेसफुल होगा, छोटा बच्चा जा सकता, बड़ा भी थोड़ा उड़ जाता है, लेकिन छोटे में उड़ान में थोड़ा परेशानी आती है उसमें, छोटा जल्दी से जो छोटे से उड़ेगा आप उसको 7-8 कली तक उड़ाइए, लास्ट की 9-10 कली पर रोक लीजिए, जब 10 कली फिर साफ हो जाए फिर आप उसको उड़ाइए, उसका भी रीज़न है, वो मैं आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताऊँगा। जी फ्रेंड्स, तो चलिए आपको फिर कबूतरों का आप शौक करा देते हैं। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल सारे भाई कबूतर हैं यूनुस भाई के, भाई ये नर है सारे मादिनी है, मादिनी है, तो भाई ये सारी मादिनी है। हाँ, लाइट जलने दीजिए और मैं अभी थोड़ा फोकस करता हूँ, फिर अब भाई आप इनके आँखों पंजों का आपको शौक कराऊँगा मैं, पर भी दिखाऊँगा। और इनमें कबूतर हैं भाई सेल में भी अवेलेबल मिल जाते हैं, अगर कोई भाई चाहेगा तो सेल में भी हो जाएंगे अवेलेबल। ठीक है भाई, और भाई ने 3 साल लगातार बाजियां जीती हैं, वो भी आपको सब दिखाएंगे। तो सारा लॉफ्ट है, 3 मेल फीमेल, उसके बाद ब्रीडिंग, तो ओवरऑल सारे का आपको शौक कराएंगे। तो भाई कबूतर 2 पार्ट में बनेंगे, आपको पहले मेल फीमेल दिखाएंगे, उसके बाद आपको ब्रीडिंग वाले पार्ट दिखाएंगे, तो 2 पार्ट में वीडियो बनेंगे। ठीक है भाई, पहले एक बार कबूतरों पर नज़र मार लीजिए। ठीक है भाई, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए फिर पहले मादिनों का शौक कराते हैं आपको। कल्परी, तो भाई ये मादिन है फुलसरी कल्परी मादिन है। ठीक है, इसकी आंखों का शौक कराइए सर। तो भाई ये देख लीजिए कबूतरी की आंख, लाल आंखों में कबूतरी है, बहुत ही शानदार।
ठीक है। ये देख लीजिए इसकी आँख, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप देखिए आँखों में लालपन, ठीक है। और पर दिखाइए सर इसके, तो ये उड़ाई है आपने? हमारी ब्रीड वाली। अच्छा, घर की ब्रीड है ये। क्या रिजल्ट रहा है? रिजल्ट तो फुलतरों का हमारा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, ठीक है। पंजे दिखाइए इसके, और ये भाई इसके पंजे देख लीजिए, वाह, ठीक है। तो भाई फुलसरी कल पर दिखाते हैं, उसी की बहन है ये? हाँ। अच्छा, एक ही ब्रीड है? एक ही ब्रीड है। कॉफी आँखों में कुछ, ठीक। तो आँखों में कुछ जो क्वालिटी देखनी चाहिए कुछ बताएंगे अपने दर्शकों, क्या आँखों में देखना चाहिए अगर कोई कबूतर लेने जाता है तो? आँखों के अंदर जो सबकी अपनी अपनी तरीका होता है। अच्छा, अच्छा। देखने का हम खाली कबूतर की आँखें देखते हैं, जैसे हमारे कबूतर की आँखें गहरी है। अच्छा, गहरी आँखों मतलब देखना, गहरी आँखें होनी चाहिए, लाल गहरी में या फिर जो आजकल का क्रेज चल रहा है जैसे गोल्डन कलर की, गोल्डन कलर की आँखें, ये हरी आँखें, नीली आँखें, ये इसके पंजे दिखाते हैं भाई आपको। सिर्फ पंजे एकदम, ठीक है। ऊपर इसके ये देखिए, पर देखिए नौवीं कली आ रही है। कली हमारे घर की ब्रीड है। अच्छा, और ये शानदार उड़ते हैं सारे, ये देखिए बिल्कुल बहुत छोटे वजूद की मादे ना वैसे। और हड्डी जोड़ जो होता है वो भी कबूतरों को, आपको एक दिन हम जरूर बताएंगे क्या देखना चाहिए हड्डी जोड़ में कबूतरों का। चलो ठीक है, नेक्स्ट कबूतर दिखाते हैं। तो भाई एक ये है कल्पुरी कल दूँगी, ये देखिए मादी, ये भी गाढ़ी लाल आँखों में, ठीक है। इसके पर दिखाइए, बहुत शुक्रिया, ठीक है। और ये है इसके पर, और ये है भाई पंजे, ठीक है। हाँ, ये हमारी सुल्तान ब्रीड की है। अच्छा, सुल्तान की ब्रीड है ये। हाँ, उसी की ब्रीड के ज़्यादा कबूतर है। हाँ, कोर्ची आँखों में। हाँ, कोर्ची आँखों की है। दूसरी आँख में देखिए गुलाबी पलक, गुलाबी पलक, ठीक। तो इसको उड़ाया है आपने? हाँ, ये हमारे शाम तक उड़ते हैं। शाम तक उड़ा हुआ है। मादिन बहुत छोटे मतलब ये जान लंबे वजूद की है, छोटे तो नहीं कहेंगे, पतले और लंबे वजूद का। और ये इसके पंजे, ठीक है, ठीक है, बहुत। तो भाई ये एक मादिन है, ठीक है। आँखों में जो क्वालिटी है वो सब में वही है, गाढ़ी लाल आँखें होनी चाहिए भाई, और पलके अगर गुलाबी पलके हों तो और अच्छी बात है। और ये वजूद देखिए कबूतर का, कितने पतले वजूद का, सूते हुए वजूद है एकदम, पूछ दुम बराबर एकदम पर है, समझ लो इसकी हल्का सा फर्क है, ठीक है। और ये इसके पंजे, तो भाई अब काली ब्रीड दिखाते हैं, मादी नहीं है, मादी। अच्छा, ललित भाई की जो ब्रीड है, इनकी बहनें होंगी वो? हाँ। वाह शानदार, बड़ी शानदार आँखें हैं भाई इसको। ये हमारी घर की ब्रीड है। अच्छा, ये घर की है, अच्छी आँखें हैं इसकी। और ये भाई पंजे देखिए, ठीक है। एक और, तो भाई एक और काली दिखाते हैं आपको, इसकी भी वैसी ही आँखें हैं, ठीक है। सिंगल पलकों की मादी, ठीक। और ये भाई पंजे देखिए इसके, बहुत शानदार इसके ही पंजे हैं, ठीक है। तो भाई पीली का शौक कराते हैं आपको अब, ये पीली, आजकल पीली का ट्रेंड चल रहा है, तो ये तो सेल में है नहीं, ये सेल में है, ठीक है। तो भाई ये देखिए पीली मादिन की आंखें, इसका कुछ रिजल्ट चेक करा है आपने? हाँ, इसके बच्चे बहुत उड़ते हैं। अच्छा, बच्चे इसके उड़ते हैं? बच्चे बहुत उड़ते हैं। और ये हमारे
शहजाद भाई हैं। अच्छा अच्छा। उत्तम नगर में रहते थे। उत्तम नगर तो इनका बाप हमने दिया था। अच्छा अच्छा। ये वहाँ की शाम तक की उड़ गई कबूतर। अच्छा ठीक ठीक, बहुत शानदार कलर, एकदम दूधिया कलर है समझ लो, और एकदम गुलाब शरी सी माती सुनहरे पोटे की। ठीक है, इसके पर दिखाइए एक बार सर, बहुत शानदार पर है इसके। और इसके वो पंजे, ठीक, बहुत लंबे नाखून है इसके भी। तो भाई काली दुबाज है ये, देख लीजिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये भाई इसकी आँख देख लीजिए, वाह, पेप्सी आँखों में कहेंगे, थोड़ा और डार्क हो जाती थी, पूरा पेप्सी आँखों में, लेकिन पेप्सी आँखों में ही कहलाएगी ये, कॉफ़ी कलर की, लाइट पेप्सी कलर में। ये इसकी आँख, मेरा भी नट सेम ताक है भाई। एक ये है, इसका रिजल्ट क्या रहा है? ये बच्चे हमारे बहुत उड़ते हैं शाम तक, उड़े हुए हैं। उड़े हुए, चलो ये पकड़ के देखूँगा इसको, तो पता लगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, सेम आइज में है वैसे इसमें। ठीक है, डबल पलकों की मार दीजिए। और भाई इसके पंजे दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए, देखिए फुलसरी कबूतरी भाई, किसमें ऑल इंडिया में उड़ी? ऑल इंडिया में उड़ी है। अच्छा, 2008 में। 2008 में, ठीक। आँख दिखाइए इसके, आँख इसके, आँखें अच्छी है इसकी, ये देखिए भाई इसकी आँख, ठीक है, शांति शांति। ये देखिए भाई इसकी आँख, बहुत प्यारी आँख है इसकी भी, कलर अच्छा आँखों का। और ये इसके पंजे, ठीक है। तो भाई ओवरऑल कबूतर दिखा दिए, कुछ इसमें पंजाबी है वो दिखाने के नहीं है, वो सेलने भी नहीं है, ठीक है भाई। चलते हैं आप मेल्स में, मेल सेक्शन बगल वाला, उसमें चलते हैं। तो भाई ये मेल सेक्शन है, अब मेल सेक्शन में एक बार कबूतर आप देख लीजिए, फिर इनके धीरे धीरे आपको पर पंजों का शौक कराऊंगा। तो ये इसमें फुलसरे कल्परे कल्दुमे आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि ये ब्रीड ही मेन इन्हीं से तैयार हुई है ज़्यादा, क्योंकि उड़ने वाले कबूतर यही हैं ज़्यादा भाई, जो सुल्तान की ब्रीड बनी है वो इन्हीं में से ज़्यादा बनी है, सुल्तान की ब्रीड के ही ज़्यादा इनमें सफ़ेद में आपको दिखेंगे, जो उड़ने में बेनतहाज हैं एकदम। एक ये दिखा रहे हैं आपको कलसरा कबूतर। तो चलिए फिर आँखों का शौक कराते हैं आपको लेट ना करके, ठीक है भाई। तो भाई वाइट से शुरू करते हैं, ये देख लीजिए कबूतर की आँख। इसका रिजल्ट सर क्या रहा है, कुछ बताएंगे? बच्चे बहुत उड़ते हैं। अच्छा, बच्चे इसके उड़ाए हैं आपने, ठीक है। ये हमारे सुल्तान की ब्रीड में से ही है। अच्छा, सुल्तान का ही बेटा है ये। आंध्रा वालों में से गए कुछ ये? नहीं नहीं, लेकिन आंध्रा वालों में क्या होता है, पीला आँखें ज़्यादा होती है उनकी, ठीक ठीक, लेकिन चेहरा ऐसे ही होता है उनका, ठीक। पंजे यार इसके, मैं पंजों पे ध्यान दे रहा था, हाँ, खुश के एकदम काले पंजे एकदम, ये उड़ा होगा आपके पास बहुत है, ठीक। बेटे का बेटा है, तीन पीढ़ी बदल चुकी है। अच्छा, तीसरी पीढ़ी सुल्तान के बेटे का बेटा है, पाँचवी पीढ़ी का है, लेकिन चेहरा वही पाया अभी भी। इसके बाप का नाम है उल्लू। उल्लू, अच्छा, वो ऐसा क्यों?
इसका बाप शुरू में बहुत मोटी खोपड़ी का था। अच्छा अच्छा, पलके बहुत मोटी मोटी भारी पलके का था। उसको भी दिखाएंगे भी आपको। अच्छा अच्छा, तो उसकी क्या खास बात थी, यही बस या फिर अभी, अभी आप खुद हो गए? अच्छा, चलो उसको देखेंगे फिर उसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल इसका शौक कीजिए आप। वाह, अच्छी आँखें हैं इसकी, जर्रेदार आँखों में, सर का साइज देखिए एकदम अखरोट हुआ, वो कोकोनट कौन सा बोलते हैं सर? हाँ कोकोनट नहीं, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। अख ठीक है, ये इसके पंजे देखिए, और ये इसके भी पंजे गाढ़े एकदम खुश्क। ये तो भाई फुलसरे कबूतर हैं, इसकी आँखों का शौक कीजिए, ये देखिए इसकी आँख, ठीक है। उसका भाई है, ठीक है, अच्छे पर है इसके भीड़ वाले हैं, चौड़े कुंदे हैं एकदम, और ये दुमनिलदुमा है, ठीक है। और इसके पंजे देखिए भाई, बहुत शानदार पंजे, इसके भी काले नाखून एकदम कलचोचा कबूतर है। तो भाई ये दिखाते हैं आपको नक्ता कबूतर, इसके बारे में सर बताइए कुछ। ओए होए, बहुत ही ज़बरदस्त नाक इसके भी भाई, इसके इसके भाई बहन बहुत उड़ते हैं हमारे। अच्छा, भाई बहन उड़ते हैं, हाँ, तो ये हमने रोका हुआ है। अच्छा, ब्रीड के लिए रोक लिया, ठीक ठीक। और इसके बाप के बच्चे बहुत ज़बरदस्त उड़ते हैं, इसका बाप है खैरा, खैरा बाप है। अच्छा अच्छा, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप पर दिखाइए सर इसके, इतना पट्टा या आठ कली का पट्टा हमने अपने लिए रोक रखा जोड़ेबाजी के लिए। नहीं, देख के भी मेरे को ऐसा लगा था कि इसमें है कुछ बात, ठीक है। पंजे दिखाइए, ठीक है, और ये भाई पंजे देखिए इसके, बहुत बढ़िया पंजे हैं। तो भाई फुलसरा कलसरा दिखाते हैं आपको, इनका क्या रिजल्ट रहा सर? भाई फेमस इनसे हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो आई कहाँ से नस्ल ये वाली आपके पास? ये हमारे पास 2006 से हमारे पास है नस्ल, ठीक है। और दिखाइए इसको, ये पंजे देखिए 2006 में। तो इनके भाई बहन आपने किसी को दिए भी हैं जो बड़े जबरदस्त बड़े बड़े काफ़ी उस्ताद आपसे यहाँ से कबूतर ले गए हैं, इनके बाजू में उड़े हुए हैं कबूतर? हमने बहुतों को दिए, आपने 7-8-9 तीन साल में बाजी में कब जीता है ना, 7-8-9 लगातार, 14-15-16 2006 से हमारे हमारे पास नस्ल फुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, देखिए और इसके पर ठीक है, ठीक है। तो भाई ये फुलसरा कबूतर देखिए, इसकी आँखें दिखाते हैं आपको, ठीक है, पंजे देखिए इसके, उड़ते बहुत है, फुलसरे हो गए और ये कलदुमे हो गए, कलसरे हो गए, अच्छे उड़ते हैं इनकी बात अच्छी है। इसमें एक लाल था, लाल दबा सा कहाँ गया वो? तो भाई ये लाल जीरा दिखाते हैं, ठीक है, इसकी आँखें दिखाते सर आप, ये पंजे देखिए, ठीक है। तो भाई एक देखते हैं फुलसरा दिखाते हैं आपको, फुलसरा कलदुमा, ये देखो क्या चेहरा है, उम्र दराज लग रहा है ये? नहीं है, ये 2 साल का पट्टा है, पलके बड़ी भारी कर लिया इसने, उड़ान तो अच्छी होगी, क्या उड़ान इसकी? उड़ान तो हमारे फुलसरों में सब में ऊपर वाले, सब में, हाँ बता दे रहे थे, फुलसरों में तो कोई कह ही नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता कि भाई जल्दी बैठ जाएगा,
तो आपको बाजी उड़ाते रहना चाहिए था, हमने रोक के मतलब थोड़ा बस हमारे पास टाइम की, हाँ टाइम तो खैर इसमें चाहिए होता है मद्रासियों में, टाइम की पाबंदी हमारे पास थोड़ी सी, जब तक हम पर टाइम था हमने टाइम था तो आपने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए और दिखाया भी दुनिया को, ऐसी बात भी हमने, ये देखिए पंजे। ठीक है ठीक है भाई, एक सफ़ेद चीना कबूतर दिखाते हैं, ये देख लीजिए बॉडी स्ट्रक्चर, पतले वजूद एकदम लंबा कबूतर। ठीक है, इसको हम खच्चर बोलते हैं। अच्छा अच्छा, खच्चर क्या रीज़न है खच्चर बोलने का? ये इनका रंग बहुत अजीब सा अच्छा अच्छा रहता है बचपन में, तो जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं निखार आता तो रहता है। ये देखिए, और 2014-15-16 में ये 6-7 भाई बहन भाई थे हमारे पास, और 5-6 लगे कंटिन्यूस मोर पे। अच्छा अच्छा, ये उड़े हुए हैं बाजी में? हाँ, बाजी में उड़े हुए हैं हमारे, मोहरे खाई हैं इसमें। तुम कौन एकदम लेवल में, ये देखिए पंजे एकदम सुरख, बहुत सा पंजों के तो लाजवाब कहे, मतलब जितना ताही पर उतना कम है, देख लिए पंजे एकदम, ये है उड़ने वाले कबूतरों की निशानी। ठीक है, तो भाई एक फुलसरा कबूतर और दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए, ठीक है अच्छी आप जिसके पंजे देखें। ठीक है, देखिए एक फुलसरा और दिखाते हैं भाई आपको, फुलसरा तो आप आँख बंद करके अगर ले जाएंगे ना उड़ा के देख लेना, दिल खुश हो जाएगा, ऐसे कबूतर है ये। ठीक है, दुम 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 लेवल में। ठीक है, ये पंजे देखिए, और ये देखिए भाई पंजे, ओह हो बढ़िया पंजे है भाई। एक वाइट कबूतर दिखाते हैं, ये किसके बर्ड लाइन का है? सुल्तान, सुल्तान की बर्ड लाइन का भी है, बहुत शानदार आँखें इसके भाई, एफसी आँखों में गाड़ी और ये देख लीजिए भाई इसकी आँखें, ये पंजे और ये भाई पंजे इसके। तो भाई ओवरऑल सारे कबूतर देख लीजिए, कुछ पट्ठे भी निकल रहे हैं, ये भी अवेलेबल में हो जाएंगे सेल में, और तुम्हारा ये सारे कबूतर एक बार मैं नज़दीक से कुछ दिखा देता हूँ आपको फोकस करके, कुछ बच्चे ये निकले पड़े हैं, तो ये सारे नर हो गए भाई, वहाँ की सारी फीमेल्स दिखा दिया। तो अब सेकंड पार्ट में आपको जोड़े वाले कबूतर है ना, जोड़े वाले, तो थर्ड लॉफ्ट में जोड़े वाले कबूतर दिखाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहना।